अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में हो, कुवैत में रहते हो और कुवैत के अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर साथियों आ रही है, पर दोस्तों सबसे पहला ये है कि दोस्तों ये खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। तो साथियों, ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है, पहली बार वहां पे किसी मुस्लिम वहां पे लोग को वहां पे सेलेक्ट किया गया है, मिनिस्टर के तौर पे चुना गया। तो साथियों, वीडियो के स्क्रीन पे जिनकी मैं फोटो दिखा रहा हूं, ये महिला, ये मुस्लिम महिला है, इनका नाम है अजा महमूद, जो कि ऑस्ट्रेलिया की पहली मुस्लिम मिनिस्टर के रूप में इन्हें चुना गया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की जनता ने इसे वोट किया, वोट करने के बाद दोस्तों इसे वहां पे चुना गया। बताया गया कि अजा महमूद अल सोरोगी जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ इन द न्यू ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से ये महिला को चुना गया है। तो साथियों, ये बहुत ही गर्व की बात है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ऐसे देश में जहां पे पूरी की पूरी दोस्तों जनसंख्या क्रिश्चियनों की है, उसके बावजूद भी इस मुस्लिम महिला को वहां पे मिनिस्टर के तौर पे चुना गया। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों, वो इंडिया से आ रही है। बहुत ही दोस्तों दर्दनाक खबर है और बहुत ही बड़ी खबर है। खबर साथियों ये है हैदराबाद से दोस्तों, हैदराबाद जो कि कर्नाटका स्टेट में पड़ता है, वहां से दोस्तों खबर ये आ रही है कि एक बस जो है वो किसी तरह एक्सीडेंट हो गया, यानी गिर गया किसी खाई में, जिसके बाद बस में भीषण आग लग गई, जिसके बाद अब तक वहां पे 7 लोगों की मारे जाने की दोस्तों खबर आ रही है और बहुत सारे लोग अभी भी घायल बता रहे हैं। तो वीडियो के स्क्रीन में दोस्तों जिनकी फोटो में जो आप शो कर रहा हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो बताया जा रहा दोस्तों 12 पैसेंजर हुए इंजर्ड और लगभग 12 पैसेंजर जो है अभी भी घायल है, और जो विक्टिम है अर्जुन कुमार, सरला मुकुंड राव, खुशी सनेटा एंड कल्पना, तो ये सब सारे जो है वो बहुत ही भारी रूप से इंजर्ड है, यानी घायल है। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही वो काफी दिल दहलाने वाली खबर है। साथियों, कल के दिन मैंने आपको बताया था कि कुवैत में वहां पे भूकंप के झटके को महसूस किया गया है, पर दोस्तों कुवैत में फिर से कल के दिन वहां पे एक भारी कुवैत में दोस्तों भूकंप आया है। स्पीड बताई जा रही है 5 मैग्नीट्यूड। दोस्तों 5 मैग्नीट्यूड स्पीड जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, इससे जानो माल का भी खतरा होता है। ये खबर साथियों और ये कुवैत के नेशनल सिस्मिक नेटवर्क की तरफ से ये रिकॉर्ड किया गया, और साउथ वेस्ट जो अल अहमदी एरिया है जहां पे साथियों कुवैत की जो ऑयल कंपनी है, वहां से दोस्तों वहां पे भूकंप के झटके को महसूस किया गया। तो फिलहाल ऑयल कंपनी की तरफ से ये बता दिया गया कि वहां पे कोई भी जानो माल का नुकसान नहीं हुआ है, पर बहुत ही भीषण दोस्तों ये अर्थक्वेक था, भूकंप था, और ये धरती के 5 किलोमीटर अंदर ये भूकंप के झटके को महसूस किया गया, जो कि लगभग 3 माइल्स हो जाता है। पर अच्छी खबर ये है, किसी का कोई भी जानो माल का नुकसान नहीं हुआ है, पर वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से सभी को सावधान रहने के लिए, अब बिल्कुल चौकन्ना रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि हो सकता है फिर से वहां पे भूकंप को झटकों को महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि यदि ऐसा ही होता रहा तो वहां पे यदि 5 की या 6 की स्पीड से ज्यादा भूकंप आ जाता तो भारी नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगली खबर की साथियों चलते हैं। दोस्तों अगली खबर में साथियों जो आ रही है वो कतर से आ रही है। वहां पे एक अरब एक्सपर्ट को वहां पे जेल की सुनाई गई, यानी दोस्तों अरब का रहने वाला था सऊदी अरेबिया का, उसे जेल की सजा सुनाई गई है, क्योंकि वहां पे कतर में एक सेल्स वुमेन थी, उनका वो बेइज्जती करने के जुर्म में लगभग वहां पे 3 सालों के लिए उसको वहां पे बैन लगाया गया है दुकान वगैरह लगाने के लिए, और लगभग 5,000 कतरियाल का जुर्माना और लगभग 2 हफ्ते की जेल की सजा वहां पे सुनाई गई है। तो साथियों, यदि आप कतर में रहते हो, किसी भी देश का नागरिक हो, चाहे वो कतरी हो, किसी भी देश का नागरिक, किसी को आप वहां पे बेइज्जती वगैरह नहीं कर सकते हैं, इसको लेकर वहां पे सजा सुनाई गई। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो सऊदी अरेबिया से आ रही है। तो दोस्तों सऊदी अरेबिया से बहुत ही बढ़िया खबर है। दोस्तों सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट की तरफ से आज के दिन ये ट्वीट करके बताया, पहला जो हाजियों लोग का दोस्तों जो एक जमावड़ा होता है, इंडोनेशिया से पहली फ्लाइट वहां पे पहुंची है, और उसको लगभग 2 सालों के बाद सभी को जोरदार वहां पे स्वागत किया गया सऊदी हुकूमत के तरफ से। तो दोस्तों लगभग 2 सालों के बाद इस बार सऊदी अरेबिया में वहां पे हज करने की पूरी तरह से छूट के साथ इजाजत दी जा रही है। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं, जो कि बहुत ही बुरी खबर है। साथियों बताना चाहूंगा साथियों, अल्जीरिया के एक एयरवेज में जो फ्लाइट वहां पे खड़ी थी, वहां पे 2 लोगों की वहां पे बॉडी बरामद की गई है फ्लाइट के अंदर। तो दोस्तों फिलहाल अभी वहां पे पुलिस छानबीन कर रही है कि आखिर ये बॉडी कैसे यहां पे अंदर आई और इनकी मौत कैसे हुई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इस पे भारी वहां पे छानबीन वगैरह जो है वो जोरों शोरों से की जा रही है। तो ये घटना दोस्तों अल्जीरिया की है, अल्जीरिया एयरवेज में वहां पे जो एयरपोर्ट है वहां पे ये घटना घटी है। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी। यदि कोई भी मन में आपके सवाल हो, कोई जानकारी चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी
हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।